नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शासकीय महाविद्यालय नटेरन में छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। शासकीय महाविद्यालय नटेरन के छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी वार्षिक परीक्षाएं आ गई है और उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया गया था और आज उन्हें ये कहकर बुलाया गया कि आपसे कॉलेज संबंधित चर्चा करना है। ये कहकर विद्यालय बुलाया गया था और वार्षिक एग्जाम दिला दिए गए। छात्र छात्राओं का कहना है कि वे बिना पढ़े बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एग्जाम में बैठ तो गए, परंतु वो पास कैसे होंगे। छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे साथ शासकीय महाविद्यालय में खिलवाड़ हुआ है, जिससे हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उनके साथ प्राचार्य बने सिंह वर्मा बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। वो बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो टाइम से करीब एक घंटे लेट पहुंचे तथा पूरी तरीके से पेपर भी नहीं दे पाए और बहुत से छात्र छात्राओं को सूचना नहीं मिली, जिसके कारण वे पेपर में अनुपस्थित रहे। वही छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के साथ के बारे में जो मीडिया ने शासकीय महाविद्यालय नटेरन के प्राचार्य बने सिंह वर्मा से बात करने की कोशिश की, तो लगता है प्राचार्य वर्मा के पास शायद कोई जवाब नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद कहने लगे कल परसों आना। अब देखना होगा कि छात्र छात्राओं के साथ हो रहे खिलवाड़ के बारे में जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कराकर क्या कार्रवाई करते हैं। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। कौन सी महाविद्यालय से हो आप? शासकीय महाविद्यालय। आज आपका एग्जाम था, उसके बारे में आपको बताया गया या नहीं बताया गया? जी नहीं, हमें हमारे एग्जाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आज हमारा पेपर है। हमारा पेपर जबकि 6 अगस्त को था, ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी और ना ही किसी सर का कॉल आया ना मैसेज आया। हमें 10 मिनट के अंतर्गत बताया गया, वो भी हमारी फ्रेंड का कॉल आया था कि आपका पेपर है, जबकि हमारा पेपर आज था ही नहीं। कितने टाइम पे बताया गया था आपको? हमको 10-15 मिनट पहले ही बताया गया था और हम जस्ट ही हमारा पेपर देने आए। तो आपका पेपर कैसा गया? जब पढ़ाई नहीं की, तैयारी नहीं थी, क्योंकि पेपर ही नहीं था, तो पेपर कैसा जाएगा। तो आपका अकेला का साथ ये प्रॉब्लम है या सभी छात्रों के साथ? सभी छात्राओं के साथ ये प्रॉब्लम है, ना कि मेरे साथ। पेपर का टाइम क्या था? 3 से 6। और सभी छात्रा छात्राएं टाइम पे आए या फिर? कोई 4:15 पे आया, कोई 4:30 पर आया, कोई 3 बजे भी आया, कोई 2 बजे भी आया। और स्टाफ में जितने लोग हैं सब यहाँ पे थे और उनका रवैया कैसा रहा आपको पेपर को देखकर? बहुत ही उल्टा। बात करने का तरीका? बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने बात की है हमसे, ना ही सही तरीके से उन्होंने हमें समझाया, ना ही कुछ किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई जल्दी से मतलब निर्णय लिया जाए कि ऐसा और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ। आपके हिसाब से कितने छात्र छात्राएं हैं नहीं आए होंगे एग्जाम देने? बहुत से छात्र छात्राएं हैं, कम से कम 15-20 तो को तो पता ही नहीं होगा कि आज हमारा पेपर है। बहुत से ज्यादा लोग हैं जिन्हें लास्ट टाइम पे पता चला है, वो भी यहाँ से प्रिंसिपल के द्वारा कॉल किया गया है कि आपका पेपर, वो भी टाइम के बाद, ना कि टाइम से पहले। पहले कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं। के बारे में आपको जानकारी दी गई थी? और पेपर में पूरे समय तक स्टाफ उपस्थित था या फिर जिसकी ड्यूटी थी वो आज बीच में छोड़ के चला गया? कुछ चले गए थे। ये आपको जब भी कॉलेज आते हो स्टाफ संपूर्ण टाइम पे मिलता है या फिर एक दो ही स्टाफ में उपस्थित लोग मिलते हैं? नहीं मिलते। तो कौन कौन लोग आपको यहाँ स्टाफ में उपस्थित मिलते हैं और कौन कौन उपस्थित नहीं मिलते? ज़्यादा नहीं मिलते। और आप क्या चाहती हो, पेपर कैंसिल हो या फिर वो पेपर? पेपर हो लेकिन डेट पर हो, तो जिसकी कोई प्रेशर भी नहीं है, तो कैंसिल हो या डबल हो, कुछ तैयारी नहीं। कौन सी ईयर में आप? क्या समस्या है आपको? समस्या जो है पेपर 8 अगस्त का था, वो आज नहीं। आप पहले जानकारी दी गई या नहीं दी गई? जानकारी नहीं। तैयारी करके आए तो मैं बिना पढ़े भी पढ़ दिया। पास हो गए या फिर कॉपी खाली छोड़ के आए? कॉपी खाली छोड़ के आए। फिर आपको किसकी गलती कहना चाहते हो इसमें? तो फिर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पेपर दे दिया? ऑब्जेक्शन कैसे उठा दे, टाइम पे अंतर कर दिया, टाइम ही नहीं मिला जो है। किसने किया था अंदर? आप प्रिंसिपल सर? क्या नाम है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सर का नाम नहीं जानते सर, तो मैं तो अभी नए। ठीक।
फर्स्ट ईयर। तो आपको समय पे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज आपका पेपर है? एक बजे पता चला कि आज पेपर है, जिसके बाद मतलब कुछ छात्र क्या बहुत से प्रत्येक सुधारण है, अंदर बहुत से अनुपस्थित रहे हैं। लगभग मिनिमम मेरी जिस रूम में मैं बैठता वहीं पर थे 10 लोग, और कुछ लोग तो 5 बजे मतलब 6 बजे लास्ट था, 5 बजकर मतलब कुछ मिनट पर पेपर देने आए थे। तो अब सिचुएशन आप देख सकते हैं। क्या आप इस पेपर से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे अनुसार मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हो सके तो पेपर फिर से लिया जाए किसी अन्य डेट को, और उसका टाइम टेबल यही रहना चाहिए, बट पहले इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब मानते हैं कि अगले पेपर उसी तिथि मतलब तारीख को होंगे, लेकिन नहीं कह सकते ये पेपर हुआ है उसमें कौन कौन फेल रहेगा और कितने अनुपस्थित रहे हैं, वो बरकतुल कॉलेज। किसकी गलती मानते हैं आप? किसकी गलती माने अब ये तो हम तो देखो जितने भी स्टूडेंट थे वो इस आधार पर आते हैं, ग्रुप में जो नोटिफिकेशन गिरती है उसी के आधार पर। आज जो नोटिफिकेशन मिली थी उसमें था कि आप सभी को 1 बजे उपस्थित होना है, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन यहाँ अगर पता चला कि आपका पेपर ही है मैं तो खाना खा के भी नहीं आया। पेपर की जानकारी किसके द्वारा दी गई? पेपर की जानकारी जो कि मतलब टीचरों द्वारा ही ग्रुप बनाए गए हैं, बीए फर्स्ट ईयर या आप एडमिन की कुछ सर हैं, या सर की गलती भी ना कह के आप प्रिंसिपल या प्रभारी है वो उसकी कह सकते हैं, जो मतलब गलत जानकारी या कम जानकारी जो स्वयं को होती है वो हमको प्रदान ना करें, हमारी स्टेज पूरी है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।